हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू द चैनल इस चैनल में हम यूजीसी नेट पेपर वन से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं ये वाला जो टॉपिक है ये 2023 में जो एग्जाम हुआ है बेसिकली 2023 में दिसंबर 2022 साइकिल का एग्जाम हुआ है उसमें ये टॉपिक पूछा गया है टॉपिक है सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एडुकेशन सी कैब ये जो टॉपिक है ये 2023 के यूजीसी नेट एग्जाम में पूछा गया है एंड जो पिछले एग्जाम भी है 2022 हुआ 21 हुआ 20 हुआ उन सब में इस टॉपिक का ये या ये टॉपिक का वेरिएशन पूछा गया है तो सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन जो है टॉपिक ये यूजीसी नेट के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है जो बीएड के एग्जाम है एम के एग्जाम है उनके लिए भी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है एंड जो जनरल स्टडीज के एग्जाम है जैसे एस एस सी सी उसमें भी सेंट्रल बोर्ड ऑफ एजुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आ चुका है तो इस वीडियो में हम कॉम्प्रिहेंसिवली देखेंगे कि कैब क्या है इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, फंक्शंस क्या हैं एंड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में इसके बारे में क्या कहा गया है अब हम सबसे पहले देखते हैं कि कैब है क्या जो कैब है इसका फुल फॉर्म है सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन ये हाईएस्ट एडवाइजरी बॉडी है जो एडवाइस करती है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स को इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन ये ओल्डेस्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवाइजरी बॉडी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एजुकेशन में इसको सबसे पहले स्टेब्लिश करा गया था 1920 में फिर इसको डिसॉल्व कर दिया गया 1923 में फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से इसको रिवाइव करा गया 1935 में बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ हार्ट ऑफ कमिटी रिपोर्ट जो 1928 में आई थी जो इसका आइडिया है वो सबसे पहले पुट फॉरवर्ड किया गया था कैलकटा यूनिवर्सिटी कमीशन जो सेवनटीन और नाइनटीन के बीच में थी ताकि जो कैलकाटा यूनिवर्सिटी है उससे ओवरबर्डनिंग हटाई जा सके ये डिसाइड करा गया था कि जो कैप की मीटिंग होंगी उनको एनुअली कंडक्ट करा जाएगा माने साल में एक बार कंडक्ट करा जाएगा टोटल 65 मीटिंग्स हो चुकी हैं टिल डेट बट जो लास्ट मीटिंग है वो 2019 में हुई थी जो चेयरमैन है कैप के वो हैं यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन इन्हें पहले मिनिस्टर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट भी कहा जाता था जो स्ट्रक्चर है ऑर्गेनाइजेशन का वो ये है चेयरमैन है यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन वाइस चेयरमैन है मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एजुकेशन इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव भी होते हैं और स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरीज के रिप्रेजेंटेटिव भी होते हैं ये जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो चेंज होते रहते हैं अब देखते हैं जो कैब है उसके ऑब्जेक्टिव क्या हैं उद्देश्य क्या हैं सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है टू प्रोवाइड सजेशन टू गवर्नमेंट रिगार्डिंग एडुकेशन अगला है टू प्रोवाइड कॉमन प्लेटफॉर्म एक कॉमन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा जाए किसके लिए शेयरिंग ऑफ आइडियाज के लिए सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में ताकि जो एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स हैं सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स के वो इम्प्रूव करे जा सके वो स्टैंडर्डाइज करे जा सके माने स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट में सेम एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स हो अगला जो है ऑब्जेक्टिव वो है टू अपॉइंट कमिटीज फॉर मेकिंग रिकमेंडेशन ऑन वेरियस एजुकेशनल इशूज अगला है टू आस्क फॉर एक्सपर्ट एडवाइस कहां से गवर्नमेंट एजेंसी से नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन माने एनजीओ से और इंस्टीट्यूशन से किस बारे में एडुकेशन के बारे में एंड ये जो एक्सपर्ट एडवाइस दी जाएगी उसको फिर इम्प्लीमेंट करा जाएगा नीडेड स्टेप से इसके अलावा सर्वेस को कंडक्ट किया जा सकता है ताकि जो नीड्स हैं एजुकेशनल फील्ड्स की वो समझी जा सके तो ये हो गए ऑब्जेक्टिव ऑफ कैब कैब के क्या उद्देश्य हैं अब हम देखते हैं कैब के फंक्शन क्या है उसके कार्य क्या है सबसे पहला है टू रिव्यू द प्रोग्रेस ऑफ एजुकेशन फ्रॉम टाइम टू टाइम पीरियोडिकली एजुकेशन के प्रोग्रेस को रिव्यू करा जाएगा एंड अगर इंप्रूवमेंट की जरूरत है वो करा जाएगा नेक्स्ट है गिव रिकमेंडेशन फॉर गर्ल्स एजुकेशन एंड रूरल एजुकेशनल सिस्टम इन इंडिया एंड इससे क्या होगा आप वर्क करेंगे टुवर्ड्स यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन इन द कंट्री माने चाहे वो सेंट्रल लेवल पे हो या स्टेट लेवल पे हो जो हायर सेकेंडरी एजुकेशन है वो सारी जगह समान होगी इसके अलावा है इट एडवाइजेज ऑन इनकॉर्पोरेशन ऑफ कल्चरल एक्टिविटीज इन द करिकुलम अलग अलग स्टेट्स और सेंटर की जो कल्चरल एक्टिविटीज हैं उनको करिकुलम का पार्ट कैसे बनाया जाए वो कैप के फंक्शन में आ जाता है इसके अलावा ये फाइनेंशियल एडवाइस दे सकते हैं फॉर डेवलपिंग हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन इन द कंट्री नेक्स्ट ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं एरिया जहां पे एजुकेशनल क्वालिटी ठीक नहीं है अप टू द मार्क नहीं है एंड ये सजेस्ट कर सकता है स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट को इन एरियाज पे फोकस करने के लिए अगला जो फंक्शन है वो है टू अप्रेज द एक्सटेंट एंड मैनर इन विच एजुकेशनल पॉलिसी एजुकेशन पॉलिसी इंप्लीमेंट करी है कैसे इंप्लीमेंट करी है उसका लेखा जोखा करा जाता है कैब के द्वारा एंड अगर सेटिस्फैक्ट्री नहीं लगा इम्प्लीमेंटेशन तो एडवाइस दे सकता है कैब सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट टू एडवाइस रिगार्डिंग कोऑर्डिनेशन जो कैब है ये एडवाइस दे सकता है सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट यूनियन टेरिटरी को एंड नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को कोऑर्डिनेशन से रिलेटेड ताकि एजुकेशनल डेवलपमेंट हो सके एजुकेशनल पॉलिसी के हिसाब से ये एडवाइस दे सकता है सुमोटो एक्शन कर सकता है माने खुद से एक्शन ले सकता है इन रेफरेंस मेड टू इट बाय सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन और एनी एजुकेशनल क्वेश्चन किसी भी एजुकेशनल क्वेश्चन पे ये जो है कैब है वो एडवाइस दे सकता है या फिर खुद से भी क्वेश्चन कर सकता है अगला जो फंक्शन है कि सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन आल्सो पास रेजुलेशन रिगार्डिंग मॉडिफिकेशन ऑफ इट्रक्चर एंड सजेशन गिवन बाय डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन from time to time हमने स्टार्टिंग में जब कैप के बारे में हम पढ़ रहे थे तो देखा है कि उसका जो स्ट्रक्चर है सेंट्रल गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स और स्टेट गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ पे हमने जो देखा था मैंने तब बताया था कि इनके जो कॉन्स्टिट्यूशन है कितने रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे वो चेंज हो सकता है वो कैसे चेंज हो सकता है वो कैप के फंक्शन में ही आ गया है तो कैप जो है ये रेजोल्यूशन पास कर सकता है जिससे वो अपने आप में ही मॉडिफिकेशन कर सकता है अपने स्ट्रक्चर में मॉडिफिकेशन कर सकता है तो ये हो गए फंक्शंस ऑफ कैब अब हम देखते हैं कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ने कैब के बारे में क्या कहा है ये जो पॉलिसी है ये रिकमेंड करती है कि जो कैब है उसको स्ट्रेंथन और एम्पावर करा जाए माने उसे पावर दी जाए ताकि कंसल्टेशन करा जा सके और इश्यूज को एग्जामिन करा जा सके एडुकेशनल और कल्चरल डेवलपमेंट के विषय में इसके अलावा यह एडवाइस करा गया है कि जो कैब है उसे रीमॉडल और रिजोनेट करके उसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए फॉर डेवलपिंग आर्टिकुलेटिंग इवेल्युएटिंग एंड रिवाइजिंग द विजन ऑफ एजुकेशन ये कैब करेगा किसके साथ इन कोलैबोरेशन विद मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन सेंट्रल लेवल पे और जो भी एपेक्स बॉडी है स्टेट्स में जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसने कहा है कि ये जो चीज है विजन ऑफ एजुकेशन को इंप्लीमेंट करने के लिए एक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क को बनाया जाएगा और कंटिन्यूसली रिव्यू करा जाएगा जो नेशनल एडुकेशन पॉलिसी है उसने ये भी सजेस्ट किया था कि ताकि एडुकेशन और लर्निंग पे फोकस करा जा सके तो जो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है उसे फिर से रीनेम कर देना चाहिए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ये वाली जो रिकमेंडेशन है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की उसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया है तो आज हमने देखा सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन के बारे में हमने देखा कि ये क्या है इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है उद्देश्य क्या है इसके फंक्शंस क्या है एंड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ट्वेंटी ने इसके बारे में क्या कहा है आई होप आपको यह वीडियो यूजफुल लगा था अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा है तो जो फ्रेंड्स आपके यूजीसी नेट पेपर वन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके साथ इसको शेयर करिए एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करिए थैंक यू फॉर वॉचिंग